बीते दिन गोविंदा के साथ हुए हादसे से फैंस काफी घबरा गए हैं। खबर थी कि गोविंदा को अपनी ही पिस्तौल से पैर पर गोली लग गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी गोली निकाली और उन्हें 8 से 10 टांके आए। फिलहाल एक्टर खतरे से बाहर हैं। पिता की जल्दी रिकवरी के लिए टीना ने महाकाल मंदिर के पुजारी को फोन कर जाप कराया। खबर है कि टीना के कहने पर महाकालेश्वर मंदिर में 51 पंडितों और बटकों द्वारा महामृत्युंजय पाठ किया गया। पंडित और पुरोहित का कहना है कि महामृत्युंजय का पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बता दें कि गोविंदा और उनका पूरा परिवार महाकाल के प्रति गहरी आस्था रखता है। 90 के दशक में गोविंदा हीरो नंबर 1 हुआ करते थे, मगर 2000 के बाद मानो उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा ने गोविंदा को ऑलराउंडर बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि गोविंदा ज्योतिषियों के झांसे में आ गए थे जो उन्हें बताते थे क्या करना चाहिए क्या नहीं। उन्होंने बताया कि मैंने सुना था कि उन्हें किसी ने कहा था कि पेन से उनको संकट है, तो जब वो जीतो छप्पर फाड़ के शो होस्ट कर रहे थे तब उन्होंने शो पर लोगों का पेन लाना बैन कर दिया था। उन्हें बताने वाले का मकसद शायद ये होगा कि शायद कोई पत्रकार उनके बारे में गलत तरीके से लिख देगा, लेकिन गोविंदा ने इस बात को गलत तरीके से लिया। वो तो ऑडियंस के पेन भी जमा करवा लिया करते थे। एक बार पहलाज नेहलानी ने गोविंदा के अंधविश्वास पर बात की थी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, मेरे और गोविंदा के बीच कनेक्शन था, लेकिन उनके साथ काम करते वक्त हमेशा अनिश्चितता रही। उन्होंने बिना सोचे समझे दर्जनों बीसी ग्रेड मूवीज साइन कर ली थी। वो एक साथ 5 से 6 फिल्मों पर काम कर रहे थे। किसी को पता नहीं था कि वो कहां होते थे। वो हमेशा लेट होते थे और झूठ बोलते थे। गोविंदा कहते थे कि वो ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं, और मैंने उन्हें कहा था कि ये सोचने का खतरनाक तरीका है। वो ऐसी चीजें करते थे जो प्रोफेशन के खिलाफ थी। फिर उन्होंने बताया कि गोविंदा धीरे धीरे अंधविश्वासी हो गए थे। वो किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेते थे। वो कहते थे कि सेट पर झूमर गिरने वाला है और सभी लोग दूर हो जाएं। फिर उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि कादर खान डूबने वाले हैं। वो अंधविश्वास के आधार पर लोगों को कपड़े बदलने को कहते थे। इन्हीं सब चीजों की वजह से गोविंदा का करियर धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था। खबरें तो ऐसी भी आई थीं कि गोविंदा किसी भी फिल्म के शुरू होने से पहले सेट पर तांत्रिक बुलाते थे, मुर्गे की बलि देते थे। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये खबरें सालों से सुनने को मिलती रही हैं कि अंधविश्वास ने गोविंदा का करियर बर्बाद कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि गोविंदा ने बॉलीवुड में कॉमेडी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और अलग पहचान बनाई। उन्हें आखिरी बार साल 2019 में फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था। उन्हें टीवी रियलिटी शो में भी देखा गया। हालांकि अब वो फिल्मों से दूर राजनीति पर फोकस कर रहे हैं। हालांकि कई बार बॉलीवुड इवेंट में भी नजर आते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।